इसमें दोष आपका भी है। आपने पंडित रामाकृष्णा और उनके परिवार को कुछ अधिक ही छूट दे दी। पंडित रामाकृष्णा की इस दृष्टता का दंड इन्हें मिलना चाहिए। ये दरबार से ही नहीं, इन्हें विजयनगर साम्राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। आचार्य का कथन एकदम सत्य है महाराज, मुझे औपचारिक रूप से निष्कासित किया जाए ताकि मैं विजयनगर त्याग कर पुनः अपने गांव तेनाली लौट सकूं। अब हमें विजयनगर में रहने का और मुझे इस दरबार में आने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। हम आज ही प्रस्थान कर जाएंगे, आज्ञा दे। गुरुजी, अंततः चला ही दिया आपने अपना ब्रह्मास्त्र। मान गए गुरुजी आपकी बुद्धि को। आज तो तेरा स्थान ग्रहण नहीं कर पाया रामा, पर अब तो तुम जा ही रहे हो। अब ये पद मेरा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। महारानी चिन्ना देवी, आपने हमसे असत्य कहा। क्यों? आपने दरबार में सभी के समक्ष ऐसा कहा कि आपने उस चोर को नहीं देखा था, परंतु जब आप ये कह रही थी तब आपकी दृष्टि झुकी हुई थी और इस समय भी आपके नेत्र भूमि को निहार रहे हैं। महारानी चिन्ना देवी, हम यहां पर महाराज कृष्णदेव राय बनकर नहीं, आपके पति कृष्णदेव राय बनकर उपस्थित है आपके समक्ष। बताइए बताइए, सत्य क्या है? आप किसे सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थी, हम जानना चाहते हैं। आपको स्वामी। हमें? आपका तात्पर्य क्या है? आपको सभी प्रकरण अधूरे दृष्टिगत हो रहे हैं स्वामी, आप पूर्ण सत्य नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात? हमें प्रसन्नता है कि एक पति के रूप में आपने हमारी नेत्रों की पीड़ा समझी, परंतु एक राजा होने के नाते आपके राज्य में जो अनाचार हो रहा है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे? जाने का मन नहीं कर रहा, मन लग गया है यहाँ। कोई बात नहीं अम्मा, पहले भी तो तेनाली गांव में रहते थे, पुनः मन लग जाएगा। महामंत्री जी, आज राज दरबार में जो कुछ भी घटित हुआ उस पूरे प्रकरण में कुछ तो है जो हम चिन्हित नहीं कर पा रहे, कुछ तो ऐसा है जो हमारी दृष्टि से परे है। महाराज, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु क्या ये समझ में नहीं आ रहा है जिस प्रकार से पंडित रामकृष्ण और महारानी चिन्ना देवी ने। पंडित रामकृष्ण, महामंत्री जी, अब पंडित रामकृष्ण के दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास कीजिए। पंडित रामकृष्ण महारानी चिन्ना देवी का बचाव कर रहे थे और महारानी चिन्ना देवी किसी चोर को बचाने का प्रयास कर रही थी, इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज, कुछ तो रहस्य है, क्योंकि हमें यह विश्वास है कि महारानी चिन्ना देवी कभी भी कुछ अनुचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि चोर जो भी कुछ कर रहा है वो अनुचित नहीं कर रहा है। आज महारानी चिन्ना देवी ने हम पर, हमारी प्रजा के प्रति, हमारे कर्तव्यों, हमारे उत्तरदायित्वों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। महामंत्री जी, महाराज, इस विषय में हमें गंभीरता से विचारना होगा। हम तो चाहते हैं कि आप स्वयं जाएं और इस बुद्धि को सुलझाएं और इस घटना से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकरण को हम स्वयं सुलझाएंगे। हमने सारा सामान बांध लिया, हार तो गया है, साथ में घर भी चला गया,
निराश ना हो शारदा, मां पर विश्वास रखो। वैसे भी वो हार तुम्हें महारानी चिन्ना देवी ने दिया था। चला गया सो चला गया, मैं तुम्हें दूसरा हार ला कर दूंगा। क्या? चलो सामान उठाओ और चलो। एक क्षण रुकिए, अभी कुछ लाना शेष है, अभी लाते हैं। अरे ये रह गया था, आवश्यक है। अब एक क्षण और, अब एक और चीज है जो हम भूल गए, अभी लेकर आते। चलिए तो तुम पूरा घर बांध कर साथ में ले चलो। इससे पूर्व के पंडित रामकृष्ण विजयनगर राज्य से प्रस्थान करें, हमें इस घुत्ती का हल महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। तुम वहां देखो, तुम वहां देखो। यहाँ चोरी के आभूषण कौन रखता है? क्षमा करें, हमें तो ज्ञात नहीं है। यहाँ चोरी के आभूषण कौन खरीदता है? क्षमा करें, हमें ज्ञात नहीं है। प्रणाम मंत्रीवर। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चोरी के आभूषण खरीदता या बेचता हो? क्षमा करें, हमें इस बात का ज्ञात नहीं है। महामंत्री जी, आप? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोने के आभूषण खरीदता या बेचता है? एक ही स्वर्णकार है जो इस प्रकार के आभूषण खरीदता है। कौन है वो? वहां। महामंत्री जी, आप? महाराज, ये सिद्धम शेट्टी है, हमारे विजयनगर का एक स्वर्णकार। हमें हमारे गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि इसने एक संदिग्ध व्यक्ति से नौलखा हार खरीदा। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में फंस गया था महाराज। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि यह हार चोरी का था। क्या आपको ये ज्ञात है कि वो हार आपको किसने उपलब्ध करवाया था? क्या उससे परिचित हैं आप? जी महाराज, वे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और अनाथ बच्चों का आश्रम चलाते हैं। उन्होंने ही मुझे ये वो हार लाकर दिया था। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने वो हार अनाथालय के दान पात्र में एक सज्जन पुरुष को भेंट स्वरूप डालते हुए देखा था महाराज। महाराज, अनाथालय की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो रहा था महाराज। मैंने वो हार बेचकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सोचा महाराज। क्या आपने उस चोर को देखा था, अर्थात उस व्यक्ति ने जिसने वो हार आपके दान पात्र में डाला था? जी महाराज। तो बताइए कौन है वो व्यक्ति? महामंत्री जी। महाराज, दरबार आयोजित कीजिए। शांत हो जाओ अम्मा, मत रो। अरे ये तो प्रसन्नता का प्रसंग है कि इतने वर्षों के पश्चात हमें पुनः अपने गांव तेनाली जाने का मौका मिल रहा है। हाँ चलो उठो, उठो उठो, उठा लो। अरे अब क्या उठाना शेष है, अपना सामान उठा लो और चलो। हमने भोजन के साथ अचार भी रख लिया है, रास्ते में खाने को रुचिकर बनाने में काम आएगा। चलो। चलो। रुक जाइए। आप लोग इस तरह से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाराज ने आदेश दिया है कि आप सभी को दरबार में उपस्थित होना है। पंडित रामकृष्णा, आप अपने साथ वो नौलखा हार भी लेके चलिए जिसके लिए आपने दावा किया था कि वो चोरी नहीं हुआ है और आपके पास है। महाराज का आदेश है। तू फिर फंसा रामा, अब हार कहां से लाएगा? बेचारे गुरुजी, कहां ये सौदामिनी देवी के पास जाने का विचार करे तो कहां इस दरबार में रखे। हाय गुरुजी का दुर्भाग्य। नौलखा हार सौदामिनी देवी को भेंट करने की योजना थी हमारे गुरुजी को। गुरुजी,
प्रतीत होता है कि आपके भाग्य में लिखा है यही सुना सुना दरबार, ना कि सुदामिनी देवी का प्यार। जैसे ही दरबार समाप्त होगा हम यहाँ सुदामिनी देवी को देने जाएंगे। मंत्री महोदय, आकस्मिक रूप से महाराज द्वारा दरबार आयोजित करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? धैर्य रखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहले पंडित रामकृष्ण को दरबार में तो आने दीजिए। पंडित रामकृष्ण उपस्थित हो जाए, हम समझे नहीं। गुरुजी आप चिंतित ना होइए, पंडित रामकृष्ण तो कब का प्रस्थान कर चुके, अब तक तो वो अपने परिवार के साथ तेनाली गांव भी पहुंच चुके होंगे। आज पक्का पक्का। ये लीजिए, उपस्थित हो गए। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज कृष्णदेव राय की गत कई दिवसों से हमारे दरबार में बहुत कुछ घटित हो रहा है। कुछ व्यक्ति है इस दरबार में जो हमसे असत्य कह रहे हैं, और कुछ व्यक्ति है जो निरंतर हमसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कदाचित वो ये भूल रहे हैं कि उनके समक्ष विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय है। तो आज इस दरबार में नौ लखे हार की चोरी की गुत्थी सुलझाई जाएगी। उसका निराकरण तो हो चुका है महाराज। पंडित रामकृष्णा ने इस बात को स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हार चोरी हुआ ही नहीं है। तो जी। परंतु महाराज, मंत्रीवर, महाराज सिपाहियों प्रस्तुत करो उन्हें। स्वामीनाथ, अब दरबार को घटनाक्रम बताओगे? राज्य की ओर से जो राशि आपको अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए दी जाती है वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचती? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत घोर अपराध हो गया महाराज। महाराज वह राशि तो आपके व्यक्तिगत कार्य और स्वार्थ पूर्ति हेतु आपने उपयोग कर ली और उन लाचार बच्चों को भूख का सामना करने के लिए छोड़ दिया। अपराध नहीं, घोर पाप हुआ है और इस पाप का प्रायश्चित आपको करना होगा महामंत्री जी। महाराज इन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया जाए ताकि आज के पश्चात कोई भी अनाथ बच्चों के मुख से निवाला छीनने का दुस्साहस ना कर सके। ले जाइए इन्हें। परंतु महाराज प्रश्न अभी भी वही का वही है, इस सारे प्रकरण का पंडित रामकृष्णा के घर पे हुई चोरी से क्या संबंध है? महाराज अब जी गुरुवर अवश्य बोलिए। धन्यवाद महाराज, हम ये कहना चाह रहे थे कि पूर्व में पंडित रामकृष्णा ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके यहाँ कोई चोरी हुई नहीं। पंडित रामकृष्णा, तो आपके अनुसार आपके घर पे चोरी हुई ही नहीं है, अर्थात वो हार, वो नौ लखा हार अभी आपके पास होना चाहिए। इन्हीं में से एक पोटली में होगा, वो हार हम देखना चाहते हैं पंडित रामकृष्णा, दिखाइए वो हार हमें। महाराज वो हार तो मेरे पास नहीं है, वो गुंडप्पे के पास है। क्यों रे गुंडप्पे, तू वो हार घर पे भूला है ना, जा लेकर आ अभी। गलती ले घर में कैसे प्राप्त होगा, वो तो चोरी हो गया ना, तोल उतर ले गया। चोर ले गया है उसे, अर्थात पंडित रामकृष्णा आपने हमसे इस भरे दरबार में झूठ बोला है। हार की चोरी तो हुई है? हुई है नहीं हुई है? हुई है महाराज, नहीं नहीं हुई है, वास्तव में हुई। ये क्या नरगल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा,
स्पष्ट कीजिए, चोरी हुई है या नहीं हुई? महाराज अब क्या कहूं, वो अत्यंत दुर्लभ दृश्य है ये। प्रसन्नता हुई पंडित रामकृष्ण आपको इस प्रकार अचकचाते हुए, भ्रमित होते हुए देखकर। पंडित रामकृष्ण, सत्य स्थापित करने का समय आ गया है, बताइए हार की चोरी हुई थी या नहीं? हाँ महाराज, चोरी हुई है। चोरी तो हुई थी महारानी चिन्ना देवी, अब आप हमें बताइए कि आपने उस चोर को देखा था या नहीं? जी महाराज, देखा है। आपने चोर को देखा है, तो बताइए फिर, बताइए इस सभा को कि वो चोर कौन है? उसका नाम है ये सत है महाराज, उसी ने ही वो नौलखा हार अनाथालय के दान पात्र में डाला था। सिद्धम शेट्टी भी वहीं उपस्थित थे महाराज। सैनिको ले आओ उसे। चोर विश्वनाथ है। विश्वनाथ का कथन है कि घोड़ा गाड़ी वाले प्रसाद ने उनकी समय पर सहायता नहीं की, जिसके कारण उनकी पत्नी को प्रसव में अत्यधिक पीड़ा हुई और विश्वनाथ को आवश्यकता से अधिक धन भी व्यय करना पड़ा। क्षमा करें महाराज, ये चोरी मैंने की। पंडित रामकृष्ण के घर से वो नौलखा हार मैंने चुराया है, यही सत्य महाराज। मैं अनाथालय के बच्चों को भूख से पीड़ित नहीं देख पाया, उनकी भूख मिटाने का मेरे पास कोई और साधन नहीं था महाराज, इसलिए मैंने ये पाप किया। महाराज ये सब क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है, कभी चोरी हुई कभी चोरी नहीं हुई और फिर अपराधी की स्वीकारोक्ति, अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको समझाते हैं गुरुवर समस्त घटनाक्रम। जी महाराज, पंडित रामकृष्ण के निवास से विश्वनाथ ने उस नौलखे हार की चोरी की। वो हार चोरी करके जब वो भाग रहे थे तब महारानी चिन्ना देवी ने उन्हें देख लिया, परंतु जब उन्होंने इसका पीछा किया तब उन्होंने देखा कि विश्वनाथ ने वो हार अनाथालय की दान पेटी में डाल दिया और तब महारानी चिन्ना देवी का हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा कि विश्वनाथ की रक्षा की जाए। इसी हेतु वो रात दरबार में चुप रही। पंडित रामकृष्ण महारानी चिन्ना देवी के सम्मान, उनके गरिमा की रक्षा करना चाहते थे और इसलिए पंडित रामकृष्ण ने हरी सभा में हमसे झूठ बोला कि हार की चोरी हुई ही नहीं। क्या पंडित रामकृष्ण, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ महाराज। परंतु अब प्रश्न यह है कि महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण और विश्वनाथ ने जो कुछ भी किया वो उचित है या अनुचित? तीनों ने अनुचित किया महाराज, तीनों ने अपराध और अपराधी की रक्षा करने का प्रयास किया। अपराध से बड़ा अपराध उसे छिपाना है, अतः तीनों ही दंड के पात्र हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए। महाराज, जब से भुज्जी को उसके पालन करने वाले माता पिता से पृथक किया गया है तब से लेकर अब तक इसका शरीर तेज ज्वर से तप रहा है। इसने भोजन का भी त्याग कर दिया और निद्रा में भी, जिसे ये अपने माता पिता मानता है बस उन्हीं का नाम लेकर बड़बड़ाता रहता है। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य था, इसलिए हम अपने भुज्जी को पुनः उसके पालन करने वाली माँ भार्गवी देवी और पिता शशिकांत को सौंप देना चाहते हैं। पंडित रामकृष्णा। महाराज, सही गलत का निर्णय तो
मनुष्य की भावना पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म पर तीरों से प्रहार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध था। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अवश्य है कि पिता एवं गुरु की हत्या अधर्म है, किंतु गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म दोनों ही अन्याय और अधर्म के पक्ष में युद्धरत थे। इसलिए शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना पड़े तो पाप और अधर्म भी धर्म हो जाता है। यदि उद्देश्य सही हो महाराज, तो चोरी को चोरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां बच्चे भूख से व्याकुल थे, इसलिए विश्वनाथ ने जो कुछ भी किया वो उचित किया। और महारानी ने विश्वनाथ की सुरक्षा करके उचित किया, इसलिए ये आपके दंड के नहीं पुरस्कार के योग्य है महाराज। और उस दिन भी विश्वनाथ की पत्नी जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, प्रसाद को वो घोड़ा गाड़ी अवश्य रोकनी चाहिए थी। आपकी समस्या ये है कल्लूरी जी कि आप नियमों को कुछ अधिक महत्व देते हैं, जबकि नियमों का उद्देश्य भी सत्य का परिपालन है। न्याय में भावना भी समाई होनी चाहिए। निर्णय लेते समय बुद्धि के साथ साथ हृदय अर्थात भावना का समायोजन भी आवश्यक है, तभी सही न्याय होगा, सही निर्णय होगा। महाराज, मेरे विचार से एक अच्छे सलाहकार के लिए इस प्रकार की सोच आवश्यक है। आज्ञा दे। पंडित रामकृष्ण, जाइए, अवश्य प्रस्थान कीजिए आप, परंतु स्मरण रहे कि आप केवल हमें और इस राजसभा को त्याग कर नहीं जा रहे हैं, अभी तो विजयनगर के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर जा रहे हैं। विजयनगर के हर उस नागरिक को जिसके लिए अब आप न्याय और आशा का प्रतिरूप बन चुके हैं, उन्हें त्याग कर जा रहे हैं। बहुत मानती है हमारी जनता आपको, आपके प्रत्येक निर्णय का सम्मान करती है वो, और हम भी करते हैं आपके निर्णयों का सम्मान। इसलिए आज भी यदि आप यहां से जाने का निर्णय लेते हैं तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। पंडित रामकृष्ण, अद्भुत।
शारदा देवी, ये तो अत्यंत उपयुक्त प्रश्न है। सिद्धम शेट्टी जी। जी महाराज। वो हार कहाँ है, किसे विक्रय किया आपने? महाराज, वो गुरुवर तथाचार्य जी हैं जिन्होंने मुझसे वो हार क्रय किया था। गुरुवर? महाराज, हमें ज्ञात ही नहीं था कि वो हार चोरी का है। हम निर्दोष है महाराज। वो क्या है ना महाराज कि हमने आज तक उनको, अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपकी गुरु माता को कभी कोई उपहार नहीं दिया ना, तो इसी प्रयोजन से हमने ये विचार किया कि हम इस हार को क्रय कर लेते हैं उन्हें भेंट करने के लिए। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत विचार था, परंतु वो हार है कहाँ? आयो गुरुवर, गुरुवर ये नौलखा हार आप पर अत्यंत सुशोभित हो रहा है, परंतु हमारे विचार से ये हार शारदा देवी को दे देना चाहिए। अवश्य अवश्य। ये लीजिए शारदा देवी। धन्यवाद गुरुवर। शारदा, गुरुवर को भी धन्यवाद कहो। धन्यवाद गुरुवर। स्वागत स्वागत स्वागत। अरे क्या गुरुवर, इस हार का मूल्य तो आपने चुकाया और पंडित रामकृष्ण हार भी ले गया। महाराज, पंडित रामकृष्ण बाल्यकाल में बुद्धिमान तो थे, परंतु आज भी उनकी बुद्धि का लोहा सब मानते। शास्त्रों का ज्ञान भले ही हम दोनों को क्यों ना हो, परंतु उनमें दिए गए निर्देशों का पालन सही प्रकार से कैसे हो, ये केवल तुम जानते। प्रजा के हित का संपूर्ण ध्यान केवल तुम रख सकते हो। दरबार में प्रमुख सलाहकार का उचित अधिकारी कोई है तो वो मैं नहीं, केवल तुम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में कभी तुम्हारे या महाराज के काम आ सकूं। कलूरी, बाल्यकाल में अथवा अभी भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, मैं उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो। पंडित रामकृष्णा, आपने पुनः एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्धिमता एवं चातुर्य में आपका कोई सानी नहीं। और कल्लूरी दिनकर जी, कम से कम इस बार तो हम आपके सुझाव से सहमत है कि पंडित रामा ही इस पद के योग्य है। स्वर्ण मिले कांस्य के भाव, महंगा सामान सस्ता ले जाओ। ले जाइए ले जाइए, कौड़ियों के दाम ले जाइए। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कौड़ियों के भाव ले जाओ। ये वहाँ क्या हो रहा है? चल जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ माँ चलो। भैया ये सारा सामान इतना सस्ता कैसे? क्या है ना, मैं अपनी दुकान बंद करके दूसरे गांव जा रहा हूँ। कौड़ियों के भाव गुरुजी, गुरुजी कितना सस्ता सामान है, कितने प्रजाजन हैं, टूट पड़े हैं, लगता है बहुत सस्ता सामान मिल रहा है गुरुजी। चलिए गुरुजी, क्रय कर लेते हैं कुछ। हम देखते हैं। कौड़ियों के दाम ले जाइए, महंगा माल सस्ता। हटिए हटिए हटिए, हमारे गुरुजी आए। हटिए हटिए मार दीजिए, हटिए हटिए हटिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आप भी लीजिए। अम्मा आप? हाँ।
क्या लें गुरुजी, आप ये भोंपू ले लीजिए। गुरुजी क्यों? गुरुजी ले लीजिए ना, आपको ज्ञात नहीं है जब निद्रा भग्न होते हैं ना तो गधे घोड़े बेच के सो जाते हैं। आप इसे लेंगे तो हम इसे बजाएंगे और आपसे गलता से उड़ जाएंगे। ले लीजिए ना। उचित है, उचित वस्तु प्रतीत होती है। ए व्यापारी जी, ये भोंपू दिखाओ। अवश्य। कितनी मुद्रा का है ये? एक कांस्य की मुद्रा का है। कुर्सी? अम्मा हमारे पास कितनी सारी कुर्सियां हैं, हम ना ये तकिया ले लेते हैं। बहुत सारे तकिए हैं, रामा दिन भर सोता रहता है। मैं तो कहती हूँ घर से सारे तकिए निकाल कर बाहर फेंक देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अम्मा बांसुरी ले लेते हैं। परंतु बांसुरी बजाएगा कौन? वो बाद में देखेंगे, अभी ले लेते हैं। बांसुरी कितनी की है? ये बांसुरी एक कांस्य मुद्रा का है। दे दीजिए। अवश्य। धन्यवाद। अब और कुछ चाहिए आपको? ए व्यापारी, हम भी ग्राहक हैं, हमारी ओर ध्यान दीजिए। क्षमा गुरुवर जी, बताइए। वो दिखाइए। हम ये देखिए गुरुवर। अरे धनी मनी। जी गुरुजी। तुम कहते हो ना कि तुम्हें सदैव भूमि पर सोना पड़ता है, तो हम ये तुम्हारे लिए क्रय करें। गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी। कि आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी, है ना। ले लीजिए। ए व्यापारी इधर आ, ये लो एक कांसे की मुद्रा। किंतु गुरुदेव इसका मूल्य 5 चांदी की मुद्रा है। 5 चांदी की मुद्रा? इसे रखिए आप, हमें नहीं लेना है। परंतु गुरुदेव इसका मूल्य 5 चांदी की मुद्रा ही है, ये अधिक मूल्यवान है। तो हमें ये नहीं चाहिए। है, हमारी मुद्रा दो। ढोलक चाहिए? पालना? अरे तो अम्मा हम पालने का करेंगे क्या? आगे चल के काम आएगा। अम्मा। ए व्यापारी, हमें ये पालना बहुत अच्छा लगा, हम इसे लेना चाहें। मनी तुझे पालना क्यों करेगा? नहीं पूछ पूछ क्या पूछे? गुरुजी ये पालना क्यों खरीदना चाहते हैं? इसका क्या कार्य है आपको? वो क्या है ना कि हमारी जो खड़ाव है वो पलंग के नीचे चली जाती है और तुम उपस्थित होते नहीं, तो हमें खड़ाव उठाने के लिए झुकना पड़ता है। हम झुकते हैं तो हमारी कमर में पीड़ा हो जाती है, तो हम अपनी खड़ाव इस पालने में रख देंगे। और हाँ, हमारी अनुपस्थिति में यदि तुम्हारा मन करे हमारी सेवा करने का तो हमारी खड़ाव को झूला झूला दिया करना। व्यापारी ये लाइए, पालना हमें दीजिए, हम लेना चाहेंगे। जी गुरुवर। ये पालना हमें चाहिए। हम लेंगे। अरे हम लेंगे। देखिए इस पालने की सर्वप्रथम मांग हमने की है, पालना हमें मिलना चाहिए, हम लेंगे। नहीं, ये पालना हमें चाहिए। हम लेंगे। हमारा है। हमने कहा हम लेंगे? अरे हम भी कह रहे हैं हम लेंगे। हम लेंगे। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, परंतु बीच में मत बोलिए, ये हमारा मामला है, प्रतिदिन का मामला है, हम निपटा लेंगे। हम लेंगे। हम लेंगे। ये पालना तो हम ही लेंगे। हम लेंगे। अच्छा ठीक, जो इस पालने का अधिक मूल्य देगा ये पालना उसको मिलेगा। हम इस पालने की 2 कांस्य मुद्रा देंगे। हम 3 देंगे। हम 4 देंगे। 5 देंगे। हम 6 देंगे। 7 देंगे। गुरुदेव गुरुदेव क्या है? मूल्य बढ़ाते जाइए, पीछे कदापि मत हटिएगा। इस समय संपूर्ण विजयनगर की दृष्टि आप पर ही है कि आपके सम्मान का प्रश्न है। गुरु जी मूल्य बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। गुरु जी 10 कांस्य मुद्रा है। हम 15 देंगे। 1 स्वर्ण मुद्रा। हम 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हम 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो हम बढ़ाइए बढ़ाइए, मूल्य बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। उठा लो उठा लो। क्या उठा लो? ये पालना उठा लो और इन्हें दे दो, हम पीछे हटते हैं, हमें नहीं चाहिए, है ना अम्मा? अच्छा, लाइए लाइए व्यापारी जी, लाइए।
लीजिए गुरुवर, आराम से हाथ लगाइए उठाइए। हमारे गुरुजी जीत गए। वो पालना उसका मूल्य है एक कांस्य की मुद्रा। बस दे दीजिए भाई, संभाल के रखो, एकदम संभाल के। हाँ भारी है थोड़ा। धन्यवाद। पालना एक कांसे की मुद्रा में दे दिया। गुरुवर मेरे पास तो और भी पालने हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। हम से 10 स्वर्ण मुद्राएं। गुरुवर मैं तो आपसे यही कहने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु आप थे कि मूल्य बढ़ाते ही जा रहे थे। अरे वाह शारदा, पालना क्या बात है, हमें भी बताओ कोई शुभ समाचार है। राधा नाचेगी? अम्मा आज क्यों राधा नाचेगी? नहीं अम्मा, कह रही हैं कोई शुभ समाचार नहीं है, होगा भी कैसे, रामा दिन भर दरबार में रहता है और वापस आकर निढाल होकर सो जाता है। जी अम्मा, महाराज आपके पुत्र पर बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए तो महत्वपूर्ण राजकार्य उन्हीं को सौंपते हैं। आपका कथन सत्य है, परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो अम्मा ही रह जाएंगे, दादी अम्मा तो कभी नहीं बन पाएंगे। अम्मा चिंतित ना हो, हमारे पास इसका अचूक उपाय है। पापा गंगो गेहें जी सिद्ध योगी है, कहते बस हम भी पुत्र प्राप्ति हेतु उनके पास पपीता लेने गए थे, अगर आप दोनों सहमत हो तो हम आपको उनके समक्ष लेकर चल सकते हैं। और ये इससे डंडा लेकर क्यों आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भेद खुल गया हो और ये डंडा हमें पीटने के लिए ला रही हो। बाबा गंगू कहीं कहाँ गए? हमने कहा था ना बाबा चमत्कारी है, हम तो ध्यान हो गए। हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, हम प्रकट हो जाएंगे। गंगू बाबा की जय। गंगू बाबा हम आपके दर्शन करने आए हैं, प्रकट होइए। बाबा गंगू कहन, हमें क्षमा कर दीजिए। बाबा आप चमत्कारी है, अंतर्यामी, हमारे मन की बात पढ़ ली, यही कहने तो हम आए थे, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आशीर्वाद है, बाबा चमत्कारी हैं, मन की बात जान लेते हैं। बाबा ये भी जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम खुद कहो, मन को शांति मिलेगी। बाबा आपने जो वरदान स्वरूप हमको पपीता दिया था, वो हम बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं रख पाए, वो गत रात्रि हमारे प्रभु साधना में लीन थे, सो घर ही नहीं आए। आज रात्रि में कार्य पूर्ण कर लो, उत्तम परिणाम मिलेगा। अवश्य बाबा। बाबा ये अम्मा है और ये उनकी बहू शारदा। बाबा आप इन पर भी अपनी कृपा कीजिए ना, इनको भी आप वरदान स्वरूप पपीता दे दीजिए ना, ताकि ये भी अपने पति से कह के बरगद के वृक्ष नीचे उसको रखवा कर पुत्र रतन की प्राप्ति कर सके। इन्हें इन्हें हमें पपीता तो समाप्त हो चुका है, ये अनानास ले लो। क्या इस अनानास से मेरी बहू को पुत्र की प्राप्ति होगी? तुम्हारी बहू? लेकिन तुम तो खुद अभी आ पाई हो। नहीं नहीं वो हम नहीं, अम्मा कह रही है। लेकिन कह तो आप रही हैं, ये तो मौन खड़ी है। हाँ इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, ये संकेत देती है, हम अनुवाद करते हैं। अम्मा पूछ रही है
कि क्या इस अनानास से हमारे आंगन में बालक की किलकारियां गूंजेंगी? डम 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 उड़ता के गुलाब की जी ग्रहण करो, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। हम आपका पालना खरीदना सार्थक हो गया। आप अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय की बात पढ़ लेते हैं। आपको अपने पति के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। हमने आपके हृदय की कौन सी बात पढ़ ली वरुण वाला, हमें भी बताएं। यही कि हमें बालक की अभिलाषा है। नहीं, हमें बालक नहीं चाहिए जी। धनी मनी है ना गुरु माता, हम भी तो आपके पुत्र जैसे हैं ना। अरे मूर्ख, वो मनुष्य जो बालक की वार्ता कर रही है, गधे की नहीं। गुरु माता। गुरु जी क्या क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, तुम दोनों भी हमारे पुत्र की तरह ही हो, परंतु हमें हमारा पुत्र चाहिए। वैसे भी इस धरती पे पाप का बहुत बोझ हो चुका है गुरु माता। बाहर निकलो दोनों, हम कह रहे हैं बाहर निकलो दोनों। जा रहे, जा रहे। और संपूर्ण रात्रि बाहर बैठकर तारे गिनो। और सुनो, संख्या में त्रुटि हुई तो दंड स्वरूप तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। वरुण माला क्या हुआ? सोचिए स्वामी, आपके जाने के पश्चात हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? आपके जाने के बाद आपकी कोई निशानी तो होनी चाहिए ना। हम कहाँ जा रहे हैं? आप भेजना कहाँ जा रही है? अच्छा शांत शांत शांत। अच्छा देखिए, हम एक अनुष्ठान करेंगे और हमें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। अरे तो आप कह रहे थे कि आपको पुत्र चाहिए। पुत्र की आवश्यकता है स्वामी, अनुष्ठान की नहीं। पुत्र आप बस ये पपीता शमशान के पास वाले बरगद के वृक्ष के नीचे रखाइए, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हे भगवान, ये सब अंधविश्वास है वरुण बाला। हम न जाने कितने लोगों को ऐसे फल देकर तात्पर्य है, लोगों को ऐसे फल लेकर मूर्ख बनते देख चुके हैं हम। ऐसा नहीं होता है। हट मत कीजिए स्वामी, अन्यथा हम हट कर बैठेंगे। क्या हट करेगी आप? पश्चाताप स्वरूप आपको एक माह तक पपीता खाना होगा। नहीं, हम लेके जाएंगे। ये तो मात्र छोटा सा कार्य है। लाइए अपना परम प्रिय पवित्र पपीता हमें दीजिए। हमें आपसे यही अपेक्षा थी स्वामी, हम आपके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, कीजिए, कीजिए। यदि फल रखने से पुत्र प्राप्त होते हैं तो हमारे पीछे बागीचे में पुत्र ही पुत्र प्रकट हो रहे होते हैं। मूर्ख, मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा है। एक बार सामने आ, फिर मैं तुझे लड्डू खिलाता हूँ। दादा, लड्डू कहाँ है? और तुम दोनों ऐसी क्या खरीदारी कर रही थी कि संध्या काल हो गई? पता है कितनी भूख लगी है मुझे। हमारा संदेश सही निकला, हमारी अनुपस्थिति में आप लड्डू चुराने का प्रयास कर रहे थे। शारदा महोदया, अपने घर में कोई चोरी नहीं करता। छिनका खा लेता है। और ये किसने भेजा है? मैंने कौन सी भूल, कौन सी त्रुटि कर दी जिसका इतना बड़ा
सच कहूं तो त्रुटियां तो बहुत की हैं तुम तीनों ने। एक त्रुटि तो इसने अभी अभी की है, मुझे लड्डू नहीं खाने दिया। और यदि गणना करने बैठू ना अम्मा तो कई दिवस निकल जाएंगे। परंतु क्या है कि मैंने तुम तीनों को क्षमा कर दिया है, तो अब जल्दी से भोजन परोसो, बड़ी भूख लगी है। उठा लो। हाँ तो पहले परोसोगी तो उठाऊंगा ना। माँ राखी उठा लो। है? ये क्या है? पुष्पक विमान है, अभी अभी हवा में उड़कर लंकापुरी जाएगा। अरे ये कैसा प्रश्न है, ये क्या है? कोई बालक भी बता देगा ये बच्चों का पालना है। पालना है, परंतु बालक कहाँ है? बालक? ये क्या रहा? गधे के रूप में गुंडप्पा। बोलो तो मैं बोलूं। चल बोलो। शू इस आंगन में अब एक बालक की किनकारियां गूंजेंगी। देवी अम्मेश्वरी, बच्चे तो भगवान के दिन होते हैं। जब माँ की कृपा होगी तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। व्यर्थ वार्तालाप मत कर, तुझसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने दूसरा उपाय ढूंढ लिया है। कैसा उपाय? ओ अभी नहीं अम्मा, भोजन के पश्चात खाऊंगा। खाना नहीं है, रख कर आना है बरगद के वृक्ष के नीचे। बाबा गंगू गहन का दिया हुआ अनानास है, इससे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। दादा इस अनानास के छिलके में कांटे होते हैं, बालक नहीं। अरे अनानास और बालक का क्या संबंध? और ये गंगू गहन कौन है? बाबा गंगू गहन, तू फल खा, वृक्ष मत गिर। इसे बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर रख कर आ, परिणाम अपने आप आ जाएगा। बाबा गंगू गहन का वरदान कभी खाली नहीं जाता। बहुत पहुंचे हुए हैं वो। हाँ, पहुंचे भी तो होंगे, तभी तो अनानास में से बालक उत्पन्न कर रहे हैं। परंतु अम्मा, आसपास कोई बरगद का वृक्ष है नहीं, रहने दो। है, शमशान के पास बरगद का वृक्ष है, तू अर्ध रात्रि वहां जाकर इसे रख दे। नहीं 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 अम्मा, नहीं 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 नहीं, शम 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 शमशान अम्मा, अर्ध रात्रि में? अरे आने वाले इस बालक के कारण अपने इस बालक की जान खतरे में क्यों डाल रही हो? मैं शमशान नहीं जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा ना। नहीं बोल रही है, तुझे जाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाएगा तू। हाँ अम्मा, हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाते। उठा लो। हाँ चलता, मैं वही कह रहा हूँ, यदि शमशान चला गया तो ईश्वर उठा लेंगे मुझे। हाँ, वो तो बात नहीं होगा, पहले ये उठा लो और जाकर रख कर आओ। इसे संभाल कर रखना, खोना मत और खाना भी मत। अम्मा शारदा रामा, ये तो गहन समस्या है। गहन नहीं बंधु, गंगू गहन समस्या है। ये समस्या हमेशा तुझ पर ही क्यों आती है? आई नहीं है, यदि अर्धरात्रि इस अनानास को बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं रखा तो वो समस्या आएगी। मैं वैसे भयभीत तो रखा हूँ, कम से कम तू तो शांत रहे। भयभीत मत हो, पास में शमशान है ना, कोई भूत भूत होगा। शांत रहे, भूत नहीं भूतनाथ है, वो देख। Hey!
क्या पंडित रामा कृष्णा, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन, मैं? नहीं तुम। हाँ वो मैं निद्रा नहीं आ रही थी गुरुवर, तो सोचा कि भ्रमण कर लूं, भ्रमण करने चला आया बस। ऐसे इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दौड़, हम? नहीं आप। वही करने आए हैं जो करने आते हैं। ऐसे मुझे पता है आप क्या करते हैं, किंतु आप ही बता दीजिए क्या 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 करने आए थे? साधना। हाँ नहीं? ये अनानास। वो भ्रमण करने से भोजन पचता है ना, तो क्या पता भ्रमण करने के बाद मुझे पुनः भूख लग जाए, इसलिए अनानास साथ में ले आया। हाँ खाऊंगा बाद में। अच्छा तो क्या गुरुवर, जाओ भ्रमण करो। हाँ हाँ आप भी करो। क्या करें? वही जो करने आए थे। क्या करने आए थे? साधना गुरुवर। हाँ साधना करने आए थे। हाँ तो चले। चलो। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए। साधना से पूछो ना और सोने दो मुझे। हमसे क्यों पूछ ले, हमें क्या पता, हम तो आराम से सो रहे थे। अम्मा मैं वहाँ गया था और मैंने अनानास बरगद के वृक्ष के नीचे रख दिया था। ठीक है अब मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है, मैं आधी रात्रि तक जागता रहा हूँ। सोता ही रे, तू ऐसे ही सोता नहीं रहता ना तो हमें बाबा गंगू गहन की सहायता की आवश्यकता होती ही नहीं। हाँ ठीक है। ये भी कोई बात होती है मनी, सुबह भी ढंग से हुई नहीं कि बुड्ढे ने उठा के काम पे भेज दिया। हाँ एक तो धरती पे वैसे ही नींद नहीं आती और इस बुड्ढे ने हमें सोने तक नहीं दिया। मनी ये भीड़ का है कि ये लगता है कुछ खाने के लिए बट रहा है। तुम कौन हो भाई? अरे मूर्खो किस ग्रह से आए हो? हम तो इसी ग्रह से हैं। कभी मनुष्य नहीं देखा क्या? मैं दूसरे ग्रह का प्राणी दिख रहा हूँ। लग तो ऐसा ही रहा है। अरे हम कल ही पैदा हुए हैं, हमारा कोई नाम नहीं है और हमारे पिताश्री ही हमारा नामकरण करेंगे ना। अच्छा चलो अपने पिताजी का नाम हमें बता दो। अरे गधो किस प्रकार की बातें कर रहे हो? जब हमें हमारा स्वयं का नाम ज्ञात नहीं तो अपने पिता का नाम किस बात से विदित होगा? इधर आओ। सुबह
में अवश्य है। हाँ, मुझे भी शक है। रुक। अच्छा चलो, तुम्हें अपना नाम ज्ञात नहीं, अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं, परंतु तुम्हें ये तो ज्ञात होगा ना कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, बताओ। हमने जब अपनी आंखें खोली तो स्वयं को बरगद के पेड़ के नीचे पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि बस समझ गया समझ गया। तुम अवश्य ही असत्य कह रहे हो। हमें मिथ्यावासी कह रहे हो? इधर आओ। अब तो कोई शंका शेष नहीं बची। ये तो अपने गुरुवर का ही पुत्र है। हमें ज्ञात है कि आपके माता पिता कौन है। चलिए चलिए, हमारे साथ चलिए, हम आपकी उनसे भेंट करा देते हैं। चलो ठीक है। हमने तो असत्य कहा था। हमारा जन्म तो आज ही हुआ है। हमें कोई मंत्र ज्ञात नहीं। हम किसी को पक्ष भी नहीं कर सकते। मैंने तो 100% विश्वास हो गया, ये हमारे बुड्ढे का ही पुत्र है। आप हमारे पिता से परिचित है? हमें बताइए ना, कैसा दिखते हो? वो बिल्कुल आपके सदृश हैं, आपकी प्रतिरूप। बस उनकी ऊंचाई आप ऊंचाई से तनिक अधिक है। अवश्य होगी, पिता है हमारे, हमारा जन्म तो आज ही हुआ है। समान माता। सुनो सुनो सुनो, हमें हमें नीचे उतारो। उतार धनी। आज आज और आम से निकासी। कौन हो तुम? क्या है ये? गुरुजी क्या नहीं पूछिए कि कौन है ये? पूछने की क्या आवश्यकता है, हम बताते हैं। गुरुजी आपका पुत्र है ये। हाँ।